हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर, वो है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स पढ़ने होते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें जो आपका थ्योरम आता है वो आता है ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसके लिए आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू x0 से ए इज इक्वल टू xn तक, यानी जितना भी टर्म आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप इनको सेट कर सकते हैं। y dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 × y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn-1 टर्म तक। क्लियर? यूज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला का याद होना बेहद जरूरी है। बिना फॉर्मूले के याद किए बिना आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्मूला आपका है सिम्पसन 1/3 रूल का, जिसमें n इज इक्वल टू 2 के लिए ये अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b, और यहाँ पे y dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 × y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7, इसी तरह से ये टर्म बढ़ता चला जाएगा n-1 टर्म तक, और ये भी आपका प्लस में 2 × y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8, इसी तरह से n-2 टर्म तक ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल था। इसके बाद आपका सिम्पसन 3/8 रूल है। तो इसमें है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a to b y dx इज इक्वल टू 3h/8, यहां पे y0 प्लस yn प्लस 3 × y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 yn-1 टर्म तक रहेगा ये, प्लस 2 × y3 प्लस y6 प्लस y9, और ये yn-3 टर्म तक ये क्या होगा, आपका सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आपका वेडल्स रूल आता है, n = 6 के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है 3h/10 × y0 प्लस yn प्लस 5 × y1 प्लस y7 प्लस y13, इसी तरह से प्लस y2 प्लस y8 प्लस y14 प्लस 6 × y3 प्लस y9 प्लस 15, और प्लस y4 प्लस y10 प्लस y16 प्लस 5 × y5 प्लस y11 प्लस y17। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हम सारे रूल को डिस्कस कर लेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to 6 dx/1/x2। तो आपको डायरेक्टली, अगर आप ये रूल ना दिया रहे तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 10 inverse x, और यहाँ पे आप x का वैल्यू 1/6 1/0 रख के इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 और वेडल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। h का फॉर्मूला होता है n-0/6। तो यहाँ पे आपका h क्या होगा, आपका 1 होगा। यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है xn = x0 + nh। तो यहाँ से आपका x0 0 होगा, x1 क्या होगा 1 होगा, x2 2, x3 3, इसी तरह से ये टर्म क्या होगा आपका अप टू 6 टर्म तक जाएगा। और यहाँ से आपका y का टर्म क्या होगा, yn = 1/1 + x²n। तो यहाँ से आप y0 के वैल्यू को, y1 के वैल्यू को, y2 y3 y4 y6 के वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि पॉइंट में आपका वैल्यू आएगा। अब कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। तो ट्रेपेजॉइडल में हमें उसके वैल्यू को पुट कर देना है। तो ट्रेपेजॉइडल में y1 y2 y3 y4 y5 y6 की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.4105 आपका आंसर आएगा। देन आप सिम्पसन 3/8 रूल में पुट करेंगे उसको तो 1.3662 आएगा, और देन उसको आप सिम्पसन 3/8 रूल में पुट करेंगे तो 1.3571 आपका आएगा। देन उसी तरह आप वेडल्स रूल में इसको अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 1.3735 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ओके, उसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर इज 80 meters वाइड एंड द डेप्थ ऑफ द डी डायमीटर एट डिस्टेंस 1 meter फ्रॉम द वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे अगर सेट करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है m के टर्म में वो आपका y0 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 टर्म तक होगा। तो हम इसे किसी भी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल सा हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज को। h का वैल्यू आपका 10 है, n का वैल्यू आपका 8 दिया हुआ है, आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया हमें निकालना है, तो मीटर स्क्वायर के टर्म में आपका आएगा 705, यानी 705 आपका आंसर इसका आएगा। ओके, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। n इज इक्वल टू आपका जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 80 तक आपका होगा। देन आपका अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, आपका कॉन्सेप्ट आपका वही अप्लाई होगा, पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। डायरेक्टली आप इसमें एज के वैल्यू को सिम्पसन 3/8 यहाँ पे अप्लाई किया गया है। आप चाहें तो ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 3/8 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। जो भी आपको सफिशियंट लगे आप उसको अप्लाई करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।